लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे, उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं, तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे, दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव, गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल था, इतना सरल, कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, इतना सरल। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला, कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता कुछ, रघुनाथ जी जाने। केवट के दो बेटे, एक बेटी, बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई, बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे, ठीक है। सेठ जी के पास गया, 200 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई, पिता के घर के लिए केवट ने भी घर छोड़ दिया, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केही अति दीन प्यारे, ओ जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो, और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया, केवट
जो कागज लेकर आए उसमें ऐसे ही कुछ लिखा था, रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की आलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था, और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब की। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हां हुजूर लिया था। दे दिया? हां दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। कि वो रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे, और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले हाँ, तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं, और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है, भक्त जो न कराए सो थोड़ा, आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे, झूठा काय को लिखा दिया, अब रघुनाथ जी जाने। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन, संकट
साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे हरि बिन संकट कौन एक ही भरोसा जाएगी लाज तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारे नाथ मेरो कह बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारे दीन दयालु सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है जाओ टेरू कहां और जाऊं कहां बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो का बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी वह निश्चिंत रहता अब राम जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा केवट जाइए जरूर उसका आपके अलावा और कोई नहीं है रखा जाए इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए उस रजिस्टर में वो रसीद अब तक सुरक्षित है सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता था चपरासी को भेजा गया रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई सेठ जी दंडित हुए केवट भाई जित बरी हुआ गवाह महाराज तो चले ही गए थे अपने चैम्बर में जज साहब ने केवट को बुलाया केवट एक बात पूछे हाँ पूछिए हुजूर ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं केवट ने कहा हुजूर यहां हम रहते हैं तो तुम कहां रहते हो कांजा रघुनाथ जी रहते तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो अरे गांव एक ही जगह के एक ही जगह के कौन है ये तुम्हारे गांव के अरे सरकार पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल होता है अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी केवट ने कहा हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं जय हो जय हो मंदिर में विराजमान हैं ये अब जज साहब चौंके चपरासी को बुलाया चपरासी कांप रहा था हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे
रोते रोते बंगले पर गए, लोगों ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने यही कहा, शुक सारद नारद शेष गणेश, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। जो शुक सनकादिक के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं, खुश होना चाहिए, और गए तो दुख क्या, वे तो जाते ही। सुख धोखे उदर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, बड़ी बेअदबी हो गई आज उनके विरुद्ध। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा भाव भरा, रोते रहे, पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। क्यों? यही सोचते थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जवां पे न आया, खताबार हूं मैं गुनाहगार हूं मैं, खताबार हूं मैं गुनाहगार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है,
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। 40 वर्ष पहले तक ब्रज वीथियों में उनका दर्शन होता था, ये सत्य घटना है, इस युग की घटना है।